إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين لائق ست تکریم سامعین محترم اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق مالک اور رازق ہیں اسی قادر مطلق نے اس کائنات کو بنایا اور جب سے اس کائنات کو بنایا ہے اس کائنات کا نظام بھی اللہ نے ہی بنایا ہے کائنات کے نظام کا ایک حصہ دنوں اور مہینوں کا ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا ہے زمینوں کو بنایا ہے اس دن سے 12 مہینوں کا ایک نظام بنایا ہے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب ان 4 مہینوں میں تم اپنے ساتھ ظلم نہ کیا کرو اپنے ساتھ ظلم نہ کرو بلکہ کس قدر مشرکوں نے مسلمانوں کو اس وقت تنگ کیا ہوا تھا حکم آیا کہ ان سے قتال کرو اور ساتھ اس بات کا یقین بھی کر لو
कि अल्लाह की नुसरत और मदद जो है वो मुत्तकी लोगों को नसीब होती है। इन हुर्मत वालों महीनों में एक महीना मुहर्रम का महीना है जिसका आगाज हो चुका। मुहर्रम अल हराम ये हुर्मत वाला महीना, अजमत वाला महीना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने उम्मत की रहनुमाई की है कि इस महीने में रोज़ा रखो इब्तिदाई अय्याम। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बयान करते हैं, मा रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियाम यौम फद्दलहु अला गैरी इल्ला हादा अल-यौम यौम आशुरा व हादा अश-शहर यानी रमज़ान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखा करते, उसके बाद जिस तरह 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने में तलाश में रहते, इस एहतमाम के साथ और क्यों रोज़ा न रखते। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उम्मत को ये बात समझा दी। सही मुस्लिम की रिवायत है, अफ़ज़लुस्सियामि बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे फजीलत वाले रोज़े वो मुहर्रम के रोज़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ रोज़े की बात की, वहाँ ये एक ख़बर भी दी, खुशखबरी भी सुनाई। और वो खुशखबरी क्या है? सही मुस्लिम की ही रिवायत है, जब आपसे सवाल किया गया कि 10 मुहर्रम जिसको यौम आशूरा कहते हैं, इस दिन के रोज़े का अजर कितना है, तो आपने जवाब दिया, युकफ़िरु सनतल मादिया, अल्लाह पिछले पूरे साल के गुनाहों को मुआफ़ कर देते। एक मुसलमान जिसका दावा है कि वह मुसलमान है, एक वो मोमिन जिसका दावा है कि वह मोमिन है, मुसलमान और मोमिन इन दोनों का ये दावा होता है कि मेरा रब खालिक अल्लाह है, तो मुसलमान और मोमिन को फिर अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को पसंद करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि सारी दुनिया मिलके कोई निज़ाम बनाए, वो अल्लाह के निज़ाम से बेहतर नहीं हो सकता? क्योंकि अल्लाह ज़ुल्जलाल जो खालिक हैं, वो ज़्यादा जानते हैं कि इंसानियत की बेहतरी के लिए कौन सा निज़ाम होगा। वो निज़ाम अल्लाह ने वही की सूरत में, क़ुरान की सूरत में और अपने पैगंबर के फरमान की सूरत में इस मखलूक को अता कर दिया है। इस मुहर्रमुल हराम के आगाज़ में चंद बातें हमें समझनी चाहिए। बींग अ मुस्लिम, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है कि मैं इस अजीम महीने में अय्याम को कैसे गुजारूं, मेरे तसव्वुरात और तख़य्युलात और नज़रियात क्या होने चाहिए, मेरे इरादे क्या होने चाहिए और फिर मेरे इस महीने में एक्शंस क्या होने चाहिए, मुझे कौन से आमाल बजा लाने चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह ताला की इजाज़त के बाद जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो ये दिन चूँकि अल्लाह की मर्ज़ी से तय हुआ और नबी मुअज़्ज़म ने अल्लाह के फरमान की रोशनी में हिजरत की, नतीजा क्या निकला? जिनको अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत थी उन्होंने इस बात को पसंद किया और इस्लामी साल का पहला महीना वो मुहर्रम करार दिया गया। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हीं की तवज्जो दिलाने पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने जिस साल हिजरत की है और इस्लामी रियासत मदीना में कायम की है तो जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम मदीना पहुँचे तो हम उसी से ही अपने इस्लामी साल का आगाज़ किया करें। चुनाचे ज़ुल्हिज्जा में ये हिजरत हुई, मदीना में आके जो पहला चाँद तुलू हुआ इस्लामी रियासत के अंदर वो मुहर्रम का चाँद था। उस दिन से मुसलमानों ने ये निज़ाम ही पसंद किया कि मुहर्रमुल हराम से इस्लामी साल का आगाज़ हो। और एक मुसलमान को ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम मुसलमान हैं तो फिर इस्लाम ने निज़ाम तो दिया है जिसको कमरी निज़ाम कहते हैं। और क्यों इस्लाम ने यह निज़ाम दिया है? आप देखते हैं कुरान में भी अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया यसअलूनक अनिल अहिल्ला, लोग चांदों के बारे में सवाल करते हैं कुल ही मवाकीतुल नास वल हज وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى। ये इस्लामी और कमरी महीने ही हैं जिनको सामने रखते हुए हम अपनी इबादत बजा लाते हैं। रोज़ा भी रखना हो तो कोई बंदा ये नहीं कहता कि मैंने 1 जनवरी को रोज़ा रखना है, रमज़ान 1 जनवरी को शुरू होगा या 1 जुलाई को शुरू होगा। वहाँ निज़ाम क्या है? सूमो लिरुयती ही व अफ्तिरो लिरुयती, चाँद जब नज़र आए तो रोज़ा रखो और चाँद नज़र आए तो ईद मनाओ। किस चीज़ का चाँद? रमज़ान का चाँद नज़र आए तो रोज़ा रखो, शव्वाल का चाँद नज़र आए तो ईद मनाओ। मेरी इबादत रोज़ा जो है, ईद जो है, उसको अल्लाह और उसके रसूल ने जोड़ा है तो कमरी निज़ाम के साथ जोड़ा है। कुर्बानी और हज को भी अल्लाह ताला ने इसी कमरी निज़ाम के साथ रखा है। अल हज अशहुर मालूमात, हज के महीने मालूम हैं, ज़ुल्क़ादा है, शव्वाल ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं। वहाँ भी दूसरे सालों का तस्करा नहीं है। तो मुसलमानों और मोमिनों के लिए निज़ाम जो है वही निज़ाम है जो अल्लाह के प्यारे पैगंबर और उस प्यारे सहाबा ने पसंद किया और उसके मुताबिक तालीमात दी और सीखी और आगे पहुँचाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ज़कात के बारे में भी फरमाया, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول, किसी भी चीज़ में माल में ज़कात नहीं जब तक साल ना गुजर जाए। साल कौन सा ना गुजर जाए? जो इस्लामी साल। ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ और अपने बही ख्वाहों से दोबारा बयान किए देता हूँ कि हत्ता यहूल अलैहिल हौल,
साल जब तक न गुजर जाए ज़कात नहीं होती सोने और चांदी में और माल में। ये कौन सा साल है? कोई भाई मुसलमान अगर भूल के कहे मैं तो जुलाई में ज़कात दूंगा, मैं तो जनवरी में ज़कात दूंगा, ये भी एक तारीखों में तारीख है, चल रही है, मुसलमानों को मजबूरन अडॉप्ट करनी पड़ी है। लेकिन शरी मसाइल में तब्दीली नहीं होती मेरे मोहतरम। अगर आप जनवरी फरवरी के हिसाब से ज़कात देंगे तो 365 दिनों का ये साल बनेगा, लेकिन अगर इस्लामी साल को आप देखेंगे तो 354 दिनों का या 55 दिनों का साल बनेगा। आप ना चाहते हुए लाशौरी में पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले भी अगर हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, जिक्र अस्कार करने वाले हैं, हर साल 10 से 11 या 9 दिनों की ज़कात नहीं देंगे, क्योंकि आपने निज़ाम गलत इख्तियार किया। ये 9 और 10 दिन की ज़कात जो है, इंसान लाशौरी में उसका चोर बन जाए, कितनी बहुत बड़ी बात हो गई, और है भी बंदा नेक। तो ज़कात का सिस्टम भी अल्लाह ताला ने इस्लामी साल के साथ लगाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर का भी हुक्म दिया है, तो ये नहीं कहा जनवरी में दे दो, साल का शुरू है। कब सदका फितर देना है? जब शवाल का चांद नजर आ गया है, सुबह की नमाज के बाद ईदगाह जाने से पहले पहले दो, या दो दिन पहले भी दे सकते हो जैसे सहाबा दिया करते। तो सदका फितर का ताल्लुक भी इसी के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अफजल तरीन अय्याम का तज़किरा किया है, वहां यह नहीं फरमाया कि गर्मियों की छुट्टियों का मौका है तो कागान के चक्कर लगा लो, ये अफजल तरीन दिन है। वहां फरमाया अफजल अय्याम दुनिया अय्यामुल अशर, ज़ुलहिज्जा के पहले 10 दिन अफजल हैं। वहां भी इसी निजाम के साथ मुसलमानों को जोड़ा। मुसलमानों को जहां 83 साल 4 महीनों की इबादत से ज्यादा अजर व सवाब की खुशखबरी सुनाई गई है, तो वो भी कौन सा महीना है कि लैलतुल कदर रमजान में आती है। वहां कोई अगस्त और दिसंबर की छुट्टियों की बात नहीं है मेरे मोहतरम, वो रमज़ान की बात है। इस्लामी निज़ाम जो है वो रमज़ान शव्वाल ये महीने इस्लामी साल के हैं। जो लैलतुल कदर की रात को इबादत करता है, जो रमज़ान में होती है, जो बड़ी ही बाबरकत रात है, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल से 83 साल 4 महीनों से ज़्यादा इबादत का अजर व सवाब नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था कि अफ़ज़ल अय्याम दुनिया, दुनिया के बेहतरीन दिनों में से एक दिन कुर्बानी का दिन भी है। यह भी इस्लामी साल के 10 ज़िलहिज्जा है। सुम्मा यौमुल क़र, फिर 11 ज़िलहिज्जा है। इन सारी अहादीस से मैं बताना यह चाहता हूं कि मुसलमान को अपनी तारीख नहीं भूलनी चाहिए, हकायक को मस्ख नहीं करना चाहिए, इस निज़ाम की आज़मत को पहचाना जाए। और याद रखिएगा, अगर किसी को तलाक हो जाती है तो उसकी इद्दत भी होगी तो वो इस्लामी महीनों के एतबार से 3 महीने इद्दत है। उसकी इद्दत में भी एतबार इन्हीं महीनों का किया जाए। अगर किसी का खामिद फौत हो गया है तो उसे भी 4 महीने 10 दिन जो इद्दत औरत को गुजारनी है, वो भी इस्लामी महीने के 4 महीने 10 दिन है। किसी औरत ने खुला ले लिया है और उसकी इद्दत 1 महीना, वो इद्दत भी 1 महीना इस्लामी महीनों के एतबार से इद्दत गुजारने के बाद आगे शादी कर सकती है। तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने मुसलमानों के तमाम उमूर को इस्लामी साल के साथ जोड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अरफे के रोजे के बारे में जो हुक्म दिया था कि 2 साल के गुनाह माफ होते हैं, वह नौज़िल हिज्जा है, वो ये जनवरी फरवरी के अय्याम की बात नहीं है, वो नौज़िल हिज्जा है। इसलिए सबसे पहला काम यह है, हमें अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल के इस निज़ाम को पसंद करना चाहिए। अब इंसान ज़िंदगी के बहुत सारे कॉर्नर में मजबूर होता है, दूसरी तारीख को मद्देनज़र रखना पड़ता है, लेकिन इस्लाम की जो ज़रूरियात हैं, जो अहकाम हैं, वो इस्लामी तारीख के साथ ही जुड़े हुए हैं, वो क़यामत तक ऐसा रहेगा, क्योंकि अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल ने क्या फरमाया है, फला तज़लिमु फीहिन्न अन्फुसकुम मिन्हा अरबअतुन हुरुम ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ, ये है सीधा दीन। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमें इस्लामी साल को पहचानना है और उनके महीनों की जो आज़मत अल्लाह के रसूल ने बयान की है उनका एतराफ करना है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के जावियों को बनाना है। एतिकाफ भी बैठते हैं तो किस महीने में, रमज़ान में, तो वहाँ भी अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल ने मुसलमानों को इसी महीने के साथ ही जोड़ा है। और शायद के किसी को मालूम हो, ये वतन अजीज पाकिस्तान, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, ये भी अल्लाह ने दिया तो कब दिया था, 27 रमजान को दिया था। और ताज्जुब ये है कि लोग, कोई हरज नहीं, कहने वाले ही कहते हैं तो ये खुशी तो 27 रमजान को मनानी चाहिए थी, कैसे, सजदे करके, अल्लाह की इबादत करके, क्योंकि अगर ये इस्लामी रियासत है और बिला शुबा ये एक इस्लामी रियासत है तो फिर इसकी खुशियों का मेयार तो वही होगा जो इस्लाम ने दिया है। अल्लाह के रसूल ने मक्का जब फतह किया, अल्लाह हुज़ूर जलाल ने उनको ये इनाम दिया, तो अल्लाह के रसूल ने कैसे उसकी खुशी मनाई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद को खालिस किया, बैतुल्लाह में सजदे किए, लोगों को माफ़ किया, जुल्म से रोकने की तरगीब दी कि जुल्म के करीब ना आना, किसी के हकूक को पामाल करने से रोका। ये वो अकदार हैं जो इंसान को अपनानी चाहिए, जिससे कौमें जिंदा होती हैं, जिससे नज़रियात ऐसे बनते हैं जिससे कौमें कभी गिरती नहीं। दूसरी जिम्मेदारी जो इस महीने में है हर मुसलमान की, ये अल्लाह और उसके रसूल का दीन हमारी तरह मुंतकिल किया तो किन्होंने, उन पाकबाज हस्तियों ने जिनको सहाबा कहते हैं। ये इस्लामी साल का आगाज भी किया तो किस सहाबी ने, सईदुना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु और सईदुना अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने। हक ये है कि जिन लोगों ने दीन हम तक पहुंचाया है, आज उन हस्तियों की मोहब्बत अपने दिल में पैदा की जाए, आज उन हस्तियों का साथ हासिल करने के लिए दुआएं की जाएं, आज उन नफूसे कुदसिया के नक्शो कदम पे चलने को अपना वतीरा बनाया जाए, आज उन नफूसे कुदसिया के उन लाइनों को जो लाइनें उन्होंने अल्लाह के रसूल से सीखी उन्हीं की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के जावियों को बनाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सहाबी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अभी बात आपने सुनी। यहाँ ये रुक के एक बहुत बड़ा मुगालता भी मैं दूर करना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस वतन अज़ीज़ में फ़लाँ इस्लाम ले कर आया, फ़लाँ इस्लाम ले कर आया, कभी हकायक की ज़िंदगी में भी वक्त गुजारा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रिहलत फरमाने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत संभाली थी और सिद्दीक अकबर की खिलाफत के बाद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने इस जैसा बहादुर इस उम्मत में पैदा ही नहीं किया। सच कहा था अल्लाह के रसूल ने, लऊ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, लोगों मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। सईदना उमर
رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں، یہ میں 15 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 10 ہجری کو اللہ کے رسول اپنے رب کے پاس چلے گئے، عثمان بن ابی العاص الثقفی، جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بحرین اور عمان کے اس وقت گورنر تھے، اور ان کے بھائی حکم بن ابی صفی ابی العاص الثقفی، ان دونوں بھائیوں کو ذمہ داری دی 12 صحابہ کی قیادت میں، وہاں سے یہ قافلہ سچا اور سچا دین پہنچانے کے لیے ہندوستان روانہ کیا گیا۔ اس وقت پاکستان تو الگ نہیں تھے، 47 میں الگ ہوا یہ ہندوستان، یہ پورے کا پورا جو علاقہ تھا۔ یہ 12 صحابہ سیدنا عمر کے زمانے میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی جن کی بیٹی سیدہ حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں، جب یہ شہید ہوئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشن کو گرنے نہیں دیا۔ مشن کیا ہے؟ وہ دین جو محمد مصطفیٰ لے کے آئے اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں حکیم بن جبل عبدی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 5 صحابہ دوبارہ سے ہندوستان بھیجوائے۔ یہ 12 اور 5 17 صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک ہندوستان میں سچے اسلام کا پھلیرا لہرا رہے تھے، اور آج مس شدہ کتابیں لکھتی ہیں جو بدقسمتی سے پڑھنے کو ملتی ہیں اس پیارے وطن میں، فلاں لے کے آیا اسلام اور فلاں لے کے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر کے یہ داماد جن کے گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں، جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو 3 صحابہ کی معیت میں ایک قافلہ دوبارہ ہندوستان میں بھیجوایا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی ان کے زمانے میں بھی صحابہ یہاں تشریف لا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالی تو اس وقت محلب بن ابی صفرہ کی قیادت میں 4 صحابہ کی معیت میں 44 ہجری کو ایک قافلہ دوبارہ ہندوستان میں بھیجوایا۔ اور یہ میں صرف ہندوستان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ورنہ تاریخ یہ بتا سکتی ہے اور تفصیلات ہیں کہ ان تمام نے دنیا کے کونے کونے میں کہاں کہاں صحابہ کو اور تابعین کو بھیجوایا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے یزید آئے، منذر بن ابی الجارود اس کی قیادت میں 60 ہجری کو ایک قافلہ دوبارہ ہندوستان میں آئے۔ 25 صحابہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹے کی حکمرانی تک ہندوستان میں سچا دین بچانے کے لیے یہاں پہنچے۔ اور آپ کے لیے یہ حیرانگی ہوگی، ان 25 صحابہ کے بعد 41 تابعین بھی، وہ مبارک ہستیاں بھی آئیں، اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو ہر شخص جانتا ہے، محمد بن قاسم، یہ 42واں تابعی تھا جس نے ہند اور سندھ کو فتح کیا اور اس کی فوجیں ملتان تک پہنچی۔ 18 تبع تابعین ہندوستان تشریف لائے،
इस सिलसिले को जरा पहचानिए तो सही। वक्त थोड़ा है, वगरना इन 25 सहाबा के नाम, इन 42 ताबईन के नाम और इन 18 तबे ताबईन के नाम, और कैसे कैसे आए और किस किस तरह इन्होंने फतुहात की और इस्लाम का झंडा लहराया, ये मैं तफसीलात बताता। इसलिए इस जहन से वो मस्क शुदा तारीख निकाल दीजिए जो लिखती है कि फलां लेके आए और फलां लेके आए और सूफिया इस्लाम लेके आए, यहां से सहाबा इस्लाम लेके आए, ताबईन आए हैं, तबे ताबईन आए हैं। ये सच्चा और सच्चा इस्लाम इस इलाके में वो पहुंचा था जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेके आए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सहाबा की बात कर रहे थे कि एक मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि मुहर्रमुल हराम में दूसरी जिम्मेदारी यह समझे कि जिन सहाबा ने यहां दीन पहुंचाया है उनकी आजमत को पहचाने। जिस तरह इस्लामी निजाम की आजमत को उसे पहचानना है और जिंदगी के मामलात को उसके मुताबिक तरतीब देना है, उन हस्तियों से सच्ची मोहब्बत करे। कौन सी हस्तियां? उलाइक हुमुर राशिदून, जिसको कुरान कह रहा है ये रिश्तो हिदायत वाले। उलाइक हुमुल मुफ्लिहून, जिनको कुरान कह रहा है फलाह पाने वाले यही लोग हैं। कौन से सहाबा है? उलाइक हुमुल फाइजून, फौजो फलाह अल्लाह ने जिनकी किस्मत में रखी थी। उलाइक हिज्बुल्लाह, जिनको कुरान कह रहा है ये तो अल्लाह का लश्कर है। कुंतुम खैर उम्मा, ये वो सहाबा हैं जिनको कुरान कह रहा है पूरी उम्मत में सबसे बेहतरीन तुम हो। ये कौन से सहाबा जिनसे मोहब्बत हर मुसलमान को होनी चाहिए, जिनके बारे में कुरान खुद कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह उनसे राजी हो गए। तो इस मुहर्रमुल हराम में दूसरी जिम्मेदारी एक मुसलमान की यह है कि उन हस्तियों के साथ मोहब्बत रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर किसी को नबी से सच्ची मोहब्बत है तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की यह रिवायत को कभी ना भूले। खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूना, लोगों कायनात में सबसे बेहतरीन हस्तियां वो है जो इस वक्त मेरे जमाने में है, सहाबा है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहु, फिर जो उनके बाद आएंगे ताबीन। सुम्मल्लज़ीना यलूनहु, फिर जो उनके बाद आएंगे तबाए ताबेई। ये वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात से आला कह दिया। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात आपने सुनी होगी। अल्लाह ताला ने मैदान अरफात में कायनात को पैदा करने से पहले क़यामत तक आने वाली इंसानियत की रूहों को बखेर दिया, वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू बला, सब ने कहा आप हमारे रब। अब्दुल्लाह बिन मसूद क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाह नज़रा फी कुलूबिल इबाद फवजद कल्ब मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने पूरी कायनात के दिलों को झांका, सबसे खूबसूरत दिल मुहम्मद मुस्तफा का पाया। फस्तफाहु लिनफ्सिही वब्तअसहु बिरिसालती, अल्लाह ने उस हस्ती को चुन लिया और उन्हें सरताजे रसूल बना दिया। सुम्मा नज़रा फी कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने फिर दिलों को झांका, फवजद कुलूब असहाबिही खैर कुलूबिल इबाद, मुहम्मद मुस्तफा के बाद पूरी कायनात से आला दिल पाए तो सहाबा के दिल पाए। फजअलहुम वज़रा लिनबी, अल्लाह ने इन हस्तियों को अपने महबूब के वजीर बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सहाबा, जिनके बारे में कुरान ने एक ज़ाब्ता दे दिया, फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह, ये इतनी बड़ी हस्तियां हैं
इन जैसा ईमान किसी का होगा तो वो ईमान कंसीडर होगा, अगर इन जैसा ईमान नहीं है तो उस ईमान की कीमत क्या होगी। लेकिन आज बुरा हो तासुब का, बुरा हो आसबियत का, एक बात एक गुत्थी सुलझाने के बाद मैं आगे एक बात लेके चलूंगा। अगर कोई ये कह दे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो पूरी कायनात से आला, और कहे नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि उनकी बीवियां भी अच्छी नहीं और उनके साथी भी अच्छे नहीं, ये कामयाबी और मोहब्बत की बात है? कैसे हो गया? अल्लाह ने पूरी कायनात से आला बनाया, वो मुसलमानों की माएं हैं, ये वो हस्तियां हैं जिनके जरिए दीन हम तक पहुंचा, ये वो सहाबा वो हस्तियां हैं जिनके बारे में सहाबी बयान करते हैं। और ये लफ्जों पे गौर कीजिएगा, फला मुकाम अहदिहिम सा खैरु मिन अमल अहदिकुम उमरा वलो उमरा अहदिकुम उमरा नूह। 950 साल अगर तुम्हें जिंदगी मिल जाए, 950 साल इबादत और रियाजत में गुजार दो, जितना अजर तुम्हें मिलेगा उस एक घड़ी के अजर के बराबर नहीं हो सकते जो एक घड़ी सहाबा ने मोहम्मद मुस्तफा के साथ गुजारी है। कभी ये किताबें पढ़ा करो मेरे भाइयों और मेरे प्यारों, कभी ये बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी नसाई इब्ने माजा अपने घर में तर्जमे वाली रख लो, कभी खोल के पढ़ा करो। मेरे और आपके हाथ की लिखी किताबों में क्या होगा वो पढ़ो जिसमें सिहाबा की बातें हैं, सिहाबी क्या कह रहे हैं। एक घड़ी जो अल्लाह के रसूल के साथ सिहाबा ने गुजारी है, सिहाबी क्या कह रहे हैं। खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जो कुछ दुनिया में है ये सब कुछ बेच दो तो उस घड़ी की कीमत अदा नहीं हो सकती। क्यों कहा? क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया था, सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, देखा सहाबे किराम तशरीफ फरमाए, पूछा आप नमाज पढ़ के घर वापस नहीं गए? सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, हमने कहा कि अबीशा की नमाज पढ़ के जाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने बहुत अच्छा किया, आपने सर मुबारक का आसमान की तरफ उठाया और फरमाने लगे अन्नुजूम अमनतुल लिस्समा फइजा ज़हबनन नुजूम अतस्समा अमा तुअद। आसमान पे अल्लाह ने सितारे बनाए हैं, आसमान की अमीन है, जब सितारे झड़ जाएंगे आसमान भी नहीं रहेगा, कयामत का दिन होगा। फिर आपने फरमाया वाना अमनतुल अस्हाबी फइजा ज़हबतु अता अस्हाबी मा युअदून। मैं जब तक जिंदा हूं मेरे सहाबा पे भी कोई इतना बड़ा फितना नहीं आएगा, जब मैं दुनिया से चला गया तो फिर फितने आएंगे। फिर आपने तीसरी बार समझाई वअस्हाबी अमनतुल उम्मती फइजा ज़हब अस्हाबी अता उम्मती मा युअदून। मेरे सहाबा मेरी उम्मत के अमीन हैं, जब तक ये रहेंगे उम्मत हिफाजत में रहेगी, जब ये चले जाएंगे तो उम्मत में वो फिर खलफशारी आएगी, कत्लो गारत आएगी, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। कैसा अमन था? सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत को उठाइए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा जंग होगी, सफ़े बनेगी, एक शख्स आके पूछेगा फीकुम मन साहिबन नबी, ओ मुसलमानों तुम में कोई सिहाबी तो नहीं है? जवाब दिया जाएगा सिहाबी है, दुश्मन भाग जाएगा। पूछने पर बताने पर भी दुश्मन पे रोब आएगा और अल्लाह मुसलमानों को फतह दे देंगे, फिर जंग होगी। सवाल करने वाला सवाल करेगा,
अच्छा ये बताओ, फीकुम मन साहिब अस्हाब नबी, वो तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने किसी सिहाबी को देखा हो, वो ताबी हो, कहा जाएगा है अल्लाह इस पर ही फतह दे देंगे, रौब जमा देंगे और कुफर को शिकस्त हो जाएगी, फिर जंग होगी। कभी बुखारी मुस्लिम घर में रख के पढ़ा करो, लोग फिर पूछेंगे फीकुम मन साहिबा, मन साहिबा अस्हाब नबी, कोई आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसने सिहाबी को देखा हो और इसने उसको देखा हो, यानी तबे ताबी, कहा जाएगा हाँ अल्लाह ताला फिर फतह दे देंगे, दुश्मन पे रोब आ जाएगा। अस्हाबी अमनतुन लि उम्मती, मेरी उम्मत के अमीन हैं सिहाबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इन सिहाबाए किराम की क्या खूबसूरत तरबियत की थी। फरमाया था तूबा लिमन रआनी वलिमन रआ मरआनी वलिमन रआ मरआ मरआनी, मैं खुशखबरी देता हूँ जन्नत में एक तूबा दरख्त है जिसका हुजम इतना बड़ा है कि 100 साल तक घोड़ा दुर्की के लिए तैयार किया गया दौड़ता रहे तो उस दरख्त की छांव को क्रॉस नहीं कर सकता। ये सबसे पहले इनाम मिलेगा तो मेरे सहाबों को मिलेगा, फिर ताबेईन को मिलेगा, फिर तबे ताबेईन को मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सहाबा की आज़मत को पहचानिए, क्योंकि ये निज़ाम जो है ये मुहर्रम सफ़र का, ये निज़ाम सबसे पहले सहाबा ने इस्लामी रियासत मदीना में कायम किया था। और अपनी ज़ुबानों को उन हस्तियों के बारे में खोलने से बचो और बचाओ, उन भूले हुए लोगों को भी ये समझाओ कि किसी के पीछे लग के अपनी ज़ुबानों को इस कदर न चलाओ कि कल क़यामत के दिन इसका खमियाजा भुगतना पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मन सब अस्हाबी फअलैहि लअनतुल्लाह वलमलाइका वन्नास अजमईन, जो मेरे सहाबा को बुरा कहेगा, गाली देगा, उस पे सिर्फ अल्लाह की लानत नहीं पूरी खरबों फरिश्तों की भी लानत है, पूरी कायनात की लानत है। इमाम हुमैदी बयान करते हैं इन्न मिन सुन्ना, ये सुन्नत है, ये तरीका है मुसलमानों का, अतरहम वाला अस्हाब मुहम्मद, जब भी सहाबा किराम का तस्करा आए, अल्लाह के रसूल के साथियों का तस्करा आए तो उनके लिए तरहम किया जाए, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। और लिखने वाले उलमा लिखते हैं वो तरवी अन अस्हाबी, अकीदा उसका सही होता है जो सहाबा का नाम आए तो रज़ी अल्लाहु अन्हुम कहे कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। क्यों कहे? क्योंकि कुरान ने कह दिया है रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदु अन। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया करते थे इज़ा रअयत रजुलन यज़कुरु अस्हाब रसूलिल्लाह बिसु फत्तहिमहु अलल इस्लाम, जो शख्स सहाबा किराम के बारे में कोई नाजेबा ऐसे नजरियात रखता है, तस्करा करता है भी सू बुराई के साथ, फत्तहिम हो अलल इस्लाम, ये शख्स इस काबिल है कि इस पर तोहमत लगे कि इसका इस्लाम कैसा है, पहले ये चेक किया जाए। इस्लाम की नेमत जिनके जरिए आई वो तो ठीक नहीं और हम ठीक, कमाल नहीं हो गया? जिन्होंने इस्लाम पहुंचाया वो तो नाउज़ु बिल्लाह ठीक ना हो और हम ठीक हो, ये कैसे हो गया? इमाम अहले सुन्नत वल जमा इमाम अहमद बिन हम्बल ने सच फरमाया था। अबू ज़र्रा राज़ी 7 लाख हदीसों के हाफिज कहते हैं इज़ा रअयत अर्रजुल यंतक़िसु अहदा मिन अस्हाबिर रसूलिल्लाह फअलम अन्नहु ज़िंदीक, जब तुम देखो कि कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नक्स बयान कर रहा है तो समझ जाना ये जिंदगी का आदमी है, बेदीन आदमी है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان سے بڑی ہستیاں کون ہو سکتی ہیں؟ میری مراد ان ہستیوں سے کون ہیں؟ میری مراد ان ہستیوں سے خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام ہیں. کون ہیں خلفائے راشدین؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اور بیان کرنے والے کون ہیں ذرا یہ بھی غور سے سنیے گا. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم سے سنا، وہ فرما رہے تھے، ابو بکر عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. قیامت کو جب دنیا جنت میں آئے گی، انبیاء و رسولوں کے علاوہ جتنے جنتی ہوں گے، ان سارے جنتیوں کے سردار اور سرتاج ابو بکر و عمر ہوں گے. کون بیان کر رہے ہیں؟ سیدنا علی بیان کر رہے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 822. اللہ کے رسول نے فرمایا، ہذان السمع والبصر. ابو بکر عمر کی حیثیت اسلام میں اس طرح ہے، ان کی حیثیت میرے نزدیک اس طرح ہے، یہ میرے کان اور میری آنکھیں ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ابو بکر عمر کو کہہ رہے ہیں. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا، لوگوں اگر دنیا میں میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا. اللہ عز و جلال نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے. لوگوں مسجد نبوی میں سارے دروازے بند کر دینا، لیکن ابو بکر کا دروازہ بند نہ کر. عورت آ کے مسائل پوچھتی ہے، اللہ کے رسول اگر میں آؤں اور آپ نہ ملے تو میں کیا کروں؟ کہا، ان لم تجدینی فاتی ابا بکر. میں اگر نہ ملوں تو دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو میرے ابو بکر سے آ کے پوچھ لینا. میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، لوگوں میں نے ہر ایک احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا. اس کے بدلے قیامت کے دن میرا رب ہی چکائے گا. میں اس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. 2 سال 3 ماہ کے بعد یہ اللہ کے پاس چلے گئے. ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچئے، بھلا ایسا ایمان بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کو ضرورت ہے، گھر میں جو کچھ تھا سارا اللہ کے رسول کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا. کہا، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں، گھر چھوڑ کے آیا ہوں تو اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا. میں بھی سوچے، آپ بھی، آپ اپنی جیب کو ذرا خالی کر کے تو دیکھیے کہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، کیا جو کچھ ہے میں نے دے دینا ہے، کون ہمت کرے گا؟ پورے کا پورا سامان گھر کا اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہہ کے پیش کر دیا. کیسی صداقت تھی اسے ہستی کی کہ ابو جہل کہتا ہے، جانتے ہو، سنا ہے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ میرے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، راتوں رات بیت المقدس گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا، نہیں ہو سکتا. مسکرا کے کہتا ہے، جانتے ہو، یہ تمہارا دوست ہی تو کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا، اگر اس ہستی نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے. سوچا ہی نہیں، کوئی معیار نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج تک اللہ نے جب سے آدم کو پیدا کیا ایسی ہستی اللہ نے دنیا میں بھیجوائی نہیں ہے محمد مصطفیٰ جیسی، اور نہ قیامت تک ایسی ہستی پیدا ہوگی. وہ جانتے تھے، اس لیے تو صدیق کہلوائے. میں کس عمر کی بات کر رہا ہوں؟ کس محرم کی پہلی تاریخ کو انہیں شہید کیا گیا. اور یہاں رک کے بھی ایک پیغام دے دوں، جو عمر ابو بکر سے محبت کرتا ہے وہ نمازوں میں،
शहादत को पसंद करते हैं, दुआएं करते हैं। ये सूरत यूसुफ फजर की नमाज में पढ़ रहे थे जब इन पे वार हुए। और जो मजूसियों से मोहब्बत करते हैं वो जालिम खारजी लोग जो आज भी इस वतन में और दुनिया के मुख्त ममालिक में कत्लो गारत को पसंद करते हैं, ये सहाबा का दीन नहीं, ये मोहम्मद मुस्तफा का दीन नहीं, ये मजूसियों का दीन था कि नेक लोगों को कत्ल करना। फसाद को मोमिन पसंद नहीं करता, फसाद को मुसलमान पसंद नहीं करता। ये जालिम दाइशी कत्लोगारत करने वाले और इस तरह के जितने भी मुजरिम, ये सब का सब किबला जाता है तो उन मजूसियों की तरफ जाता है। वार करने वाला था मजूसी और वार जिस पे हुआ है वो थे सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला। और जिनको मस्जिदों का भी तकद्दस नहीं रहता ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये उसी किबले की तरफ ही है जो मजूसियों को पसंद करता है। मुसलमान को तो ये दीन ये सिखाया गया है किसी परिंदे से भी जुल्म ना करना। किस तरह एक परिंदे के बच्चों को पकड़ा, अल्लाह के रसूल नाराज हो गए, फरमाया मन फजा हादिही बिवलदिहा, इसके बच्चों को क्यों पकड़ा है, मोहम्मद की गैरत बर्दाश्त नहीं करती किसी परिंदे को भी दुख हो। इस्लाम तो ये, ईमान तो ये है जो सहाबा लेके आए। अल्लाह ऐसा ईमान अरे को नसीब फरमाए। आज जिम्मेदारी है इन हस्तियों से मोहब्बत करना जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था उमर तेरी जुबान पे तो अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है। आयते 15 अल्लाह ने उतारी है, खास और बात जो है वो उमर ने की थी, अल्लाह ने कुरान बना के उतार दिया। बैतुल्लाह में आए कहते हैं अल्लाह के रसूल ये मुकाम इब्राहिम पे दो रखते ना पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात हुई, जिब्रील साथ ही आ गए, वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मेरे महबूब मुकाम इब्राहिम पे रखते पड़े। उमर आए और आके कहा अल्लाह के रसूल नेक लोग भी आते हैं बद लोग भी आते हैं, मोमिनों की माओं को पर्दे का हुक्म दे। उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, जिब्रील का नजूल हुआ और हुक्म आ गया कि बीवियों से कह दो, बेटियों से कह दो, मोमिन औरतों से कह दो कि वो पर्दा कर ले। आज उस हस्ती से मोहब्बत, ये मेरे ईमान का हिस्सा है, मेरा ईमान कैसा है अगर मैं इस हस्ती से मोहब्बत नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर जिस रास्ते पे तुम चलते हो शैतान वो रास्ता ही छोड़ जाता है, वो रास्ता ही छोड़ जाता है। आज किससे मोहब्बत है मुझे, एक मुसलमान को मोहब्बत करनी है तो उस हस्ती से जिसको उस्मान कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मैं ऐसी हस्ती से हया क्यों ना करूं जिसको देख के फरिश्ते भी हया करते हैं। और ये वो हस्ती है, ऐलान हुआ जंग के लिए माल चाहिए, कहा अल्लाह की रसूल ऊंटों की बात की है, आप किसी और से ना कहिए ये ऊंट मैं पेश करूंगा 100। दूसरा ऐलान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 मरतबा ऐलान हुआ, सामान से लदे हुए 700 ऊंट जो है, कहा अल्लाह के रसूल किसी और को न कहना ये मैं पेश करने की सादत लेता हूं। घोड़ों की बात भी, कहा अल्लाह के रसूल किसी को न कहना मैं 100 घोड़े देता हूं। अल्लाह अकबर, ये वो हस्ती है जिसके बारे में रावी बयान करते हैं मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, रात को दुआ शुरू की, दुआ करते ही रहे करते रहे, सुबह हो गई और दुआ ये थी अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं तो इससे राजी हो जा। हमें किससे मोहब्बत करनी है, अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जो चौथे खलीफा हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था अली ला युहिब्बुक इल्ला मुमिन वला युबगिदुक इल्ला मुनाफिक। अली तुझसे मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा, तुझसे बुग्ज रखने वाला मुनाफिक होगा। मोमिन अली से मोहब्बत करते हैं, मुनाफिक बुग्ज रखते हैं, जिनके दिल में निफाक होता है। हम उस हस्ती से मोहब्बत करते हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
علی منی و انا منہ, علی مجھ سے ہے میں اس سے, آج اس سے ہمیں محبت کرنی. خلفائے راشدین کے بعد ایوب السختیانی کی بات سنیے گا, من احب ابا بکر فقد اقام الدین, جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے اپنا ایمان سیدھا کر لیا. ومن احب عمر فقد اوضح السبیل, جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کے راستوں کو روشن کر لیا. ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ, جس نے عثمان سے محبت کی اس نے تو اللہ سے روشنی حاصل کر لی. ومن احب علی ابن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جس نے علی المرتضی سے محبت کی اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. ومن قال الحسن فی اصحاب رسول اللہ فقد بری من النفاق, جس نے صحابہ کو اچھے جذبات سے یاد کیا وہ اپنے آپ کو نفاق سے بری کر لیتا ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں سے محبت کریں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آ کے کہتے ہیں علی میری ایک تمنا ہے کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ پھر میں اللہ کے رسول کے خانوادے سے میرا تعلق جڑ جائے. میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تو دیا تھا اللہ کے رسول کو, وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے. سیدنا علی انہوں نے پھر اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر سے کیا. کاش امت کو یہ باتیں سمجھ آئے, صحیح بخاری کھولیے خود پڑھا کریں. علی المرتضی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کس سے کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہی وہ خاتون اول تھی, رات کو عمر نے اٹھایا, آؤ الخیر قد ساقہ اللہ الیک, ام کلثوم اٹھو ایک نیکی گھر آ گئی ہے. وہ اٹھ کے مسکرائی, وضو کیا, کہا کون سی نیکی, کہا میرے ساتھ چلو, یہ خلیفت المسلمین ہیں, یہ ان کی اہلیہ ہے. یہ کس کی بیٹی ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ. ایک خیمے کے پاس گئے, جس خیمے میں ایک ایسی عورت تھی مسافر جو امید سے تھی, اس کا خامد پریشان ہے باہر, کہا تم جاؤ, کوئی تجربہ نہیں ہے, ایز اے گائنی ڈاکٹر اس کو خیمے میں داخل کیا, خود لکڑیاں تلاش کر کے کھانا پکا کے پیش کر دیا. اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود, اللہ نے بیٹا دیا. خامن کو کہتے ہیں یہ کھانا لو, اپنی بیوی کے پاس پہنچو. ام کلثوم سے کہا کہ آؤ چلیں, گھر جا کے سجدے میں گر گئے, اللہ تیری توفیق سے یہ نیکی کر گئے. اور وہ شخص کہتا ہے یہ عمر کتنا اچھا ہوگا جس کی رعایا اتنی اچھی ہے. صبح اٹھ کے آیا, کہتا ہے میں نے عمر سے ملنا, اور کہہ رہا ہے عمر سے. کہا بتاؤ کیا بات؟ کہا آپ تو میرے ساتھ رات کو کھانا پکا رہے تھے, اور آپ کی بیوی تو میری بیوی کی خدمت کر رہی تھی, میں نے عمر سے ملنا ہے. کہا مجھے خلیفہ بھی لوگ کہتے ہیں, حکم کیجئے کام کیا ہے. یہ اس ہستی کی میں بات کرتا ہوں. سیدنا علی چادر پہنتے ہیں اکثر, پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ اکثر یہ چادر کیوں پہنتے ہیں؟ کہا کیا بتاؤں, یہ جس ہستی نے مجھے تحفہ دیا تھا اس کو عمر کہتے ہیں, میں اس لیے پہنتا ہوں اس ہستی کی یاد جب آتی ہے, وہ میرا سب سے گہرا دوست تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی علی فرمایا کرتے تھے لا يفضلنی احد علی ابی بکر و عمر, کوئی شخص ابو بکر و عمر سے میری فضیلت بیان نہ کرے. ولا يفضلني احد عليهما الا جلدته جلد المفتري, مجھے اگر پتہ چل گیا نا کسی نے ابو بکر عمر سے زیادہ میری فضیلت بیان کی ہے, میں اتنے ہی کوڑے ماروں گا جتنا بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. آج ان ہستیوں کے بعد ہمیں حسن و حسین سے محبت کرنی ہے. کون سے حسن و حسین؟ جن کے بارے میں سید المرسلین نے فرمایا ہما ریحانتائی, لوگو یہ تو میرے دونوں پھول ہیں. سید و شباب اہل الجنہ, یہ تو جنت کے شہزادے ہیں, ان سے محبت کرنی ہے.
तब हमारे ईमान की हकीकत सामने आएगी। अल्लाह इन हस्तियों का क़यामत को साथ नसीब फरमाए। वह आखिर दावाना الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان। हमें सहाबा किराम से मोहब्बत करनी है, ये इस महीने की तीसरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के निज़ाम से मोहब्बत, फिर अल्लाह ज़ुल जलाल ने इस्लामी रियासत अपने पैगम्बर के ज़रिए मदीना में कायम की और उस रियासत को कायम करने वाले, उसके खिद्दोखाल, उसको रोशन करने वाले अमल से वो सहाबा थे। फिर उनकी अजमत को पहचानना है और उनकी मोहब्बत को पहचानना है। सहाबा किराम में से सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो कातिबीन वही में से थे। 45 कुरान मजीद की आयात नाजिल हुई हैं तो लिखने वाले कौन थे? ये सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिनके बारे में सैयदुल मुरसलीन ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिसाब वक़िहिल अज़ाब, अल्लाह इसको हिसाबो किताब सिखा दे, इसको अज़ाब से बचा दे। अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदे बे, अल्लाह इसको हिदायत याफ्ता बना और इसके जरिए लोगों को हिदायत दे जो नबी की दुआओं के मुस्तहिक बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इन फराबीन की रोशनी में मैं चंद गुजारिशें पेश करके बात को ख़त्म करता हूँ। इस महीने की जिम्मेदारी ये है मुसलमान की इस महीने में कि जिस तरह ये साल का पहला महीना है, इस्लामी साल का ये हुर्मत वाला महीना है, ये आज़मत वाला महीना है, ये उन हुर्मत वाले महीनों में से जिनमें जुल्म और लड़ाई करना जायज़ नहीं। इसलिए किसी मुसलमान को बदमनी नहीं फैलानी चाहिए, किसी मुसलमान को झगड़े और फसाद की तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी मुसलमान को गाली नहीं देनी चाहिए। याद रखना, अगर कोई अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबा के बारे में ज़ुबान खोले तो हम चूँकि नेकी चाहने वाले हैं, सिर्फ एक सवाल है, जब कोई अबू बकर को गाली दे तो पूछना, उमर को गाली दे तो पूछना, आप किस उमर को गाली दे रहे हैं? उमर एक तो सईदना अली के बेटे भी थे, उसको गाली दे रहे हैं हम? एक तो सईदना हसन रजी अल्लाह ताला अनु के बेटे का नाम भी उमर था, उसको गाली दे रहे हैं? एक तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अनु के बेटे का नाम भी उमर था, किसको गाली दे रहे हैं? पूछिएगा, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम भी उमर था, किस उमर को गाली दे रहे हो? मूसा काज़िम रहिमहुल्लाह, उनके बेटे का नाम भी उमर था, वो किस किस उमर को गाली दोगे? ये सब ही बुलंद पाया हस्तियां थी, औलादे उनकी थी, जिनकी मोहब्बत मेरा ईमान है, किसको गाली दोगे? अगर आप कहते हो कि गाली हम देते हैं आयशा को, जिसके बिस्तर पे वही नाजिल होती, जिसकी तहारत और पकीजगी के बारे में अल्लाह ने पूरा रुकू नाजिल किया, तो जरा सोच के पूछिएगा कि जाफर सादिक रहीमहुल्ला की बेटी का नाम भी तो आयशा था, किसको गाली दे रहे हो? वही जलीलुल कदर इंसान मूसा काजिम की बेटी का नाम भी तो आयशा ही था, अली रिजा रहीमहुल्लाह की बेटी का नाम भी तो आयशा ही था। ये वो हस्तियां थी जिनको पता था ना अबू बकर उमर से दुनिया में कोई अफजल है, ना आयशा से ज्यादा को अल्लाह के रसूल को प्यारा था, इसलिए उन्होंने अपनी औलादों के नाम भी यही रखे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का दीन समझने वालों को इस महीने में किसी को लानत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान किसी को लानत भेजता है, अगला लानत का मुस्तहिक ना हो तो खुद लानती बन जाता है। झूठ मत बोलिए कि ये हुआ और ये हुआ, झूठ का अजाब बड़ा सख्त है। सच बोलिए, सच क्या है? जो कुरान ने बयान किया, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बयान किया। जिम्मेदारी है कि इस महीने में इस बात की तमन्ना कीजिए कि अल्लाह तौफीक दे हम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें,
क्योंकि अल्लाह के रसूल ने रखा था और एक साल के गुनाह अल्लाह जुलजलाल माफ़ फरमाते हैं। अल्लाह जुलजलाल से दुआ है अल्लाह जुलजलाल हमें सच्चा दीन इख्तियार करने और उन्हें आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इलाहल आलमीन, जिस तरह तूने दीन की आबियारी अपने महबूब के साथियों के ज़रिए की, क़यामत को हमें भी उनका साथ नसीब फरमा। इलाहल आलमीन अपने महबूब की रिफाक़त जन्नतुल फिरदौस में नसीब फरमा और अपना दीदार नसीब फरमा। इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, इसको अमन का गहवारा बना, और जुमला वो लोग जो अमन को बहार रखने वाले हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। इस मुल्क की अफवाज की हिफाजत फरमा, हर किस्म के फसाद और झगड़े और बदामनी से इस मुल्क को बचा, और मोहब्बत और एहतराम की फिजा को कायम फरमा। और वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कुरान की तरफ रुजू नहीं होता, मोहम्मद के फरमान की तरफ रुजू नहीं होता। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।